जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी ने चुनावों को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सीएम खट्टर ने सफेदों का दौरा कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम खट्टर ने खानसर तीरथ के पुनरुद्धार के लिए 3.15 करोड़ की राशि से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने हाँसीबुटाना नहर पर बने पुल का उद्घाटन भी किया। वहीं नर्सिंग कॉलेज पहुंचे सीएम खट्टर छात्राओं के स्वागत से काफी खुश नजर आए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्य कर रही है। सफेदों में बनने वाला नर्सिंग कॉलेज प्रदेश का पहला नर्सिंग कॉलेज होगा, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही सीएम खट्टर ने कॉलेज में हॉस्टल सुविधा देने का भी आश्वासन दिया। हमने 2015 में एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने के उस अभियान में हम बहुत सफल हुए हैं। 850 की जेंडर रेशो हमारी 922 टच कर गई। अब उन बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन बेटियों को पढ़ाने के लिए चाहे हमारे नियमित कॉलेजेस हों, उनको हम बढ़ा रहे हैं। हर 20 किलोमीटर के अंदर एक महिला कॉलेज, इसकी हमने अनाउंसमेंट की है। और पिछले वर्ष में हमारे ऐसे 49 कॉलेज जिसके अंदर 13 सिर्फ कोएड थे, बाकी 36 महिलाओं के कॉलेज थे। इसी प्रकार जो इस प्रकार के कोर्सेज हैं जिसमें उनको कोई आगे जा करके रोजगार मिले, जैसे ये ANM GNM और इस प्रकार के कोर्सेज को लेकर के प्रयत्न किया गया है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। निकाय और जींद उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। इसी को लेकर सीएम खट्टर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर प्रदेश की जनता को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। साथ ही सीएम खट्टर लोगों को बीजेपी सरकार के कराए कामों का बखान कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।